वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज अदिति। होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके लिए यूजफुल होगा इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम। सो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इस टाइम पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें एडअप करनी चाहिए अपने लुक को एनहांस करने के लिए। आज की वीडियो में हम सारी बातों पर डिस्कस करेंगे, फ्रॉम आवर हेयर टू आवर आउटफिट टू आवर एसेसरीज, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं अपने लुक को इन्हांस करने के लिए, थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंटेबल दिखने के लिए, थोड़ा ज़्यादा पॉलिश दिखने के लिए। सो अब आगे बढ़ने के पहले, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा है। नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट अस स्टार्ट। पहली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं फॉलो करती थी जब मैं वर्क फ्रॉम होम करती थी, या नेक्स्ट डे मेरी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होती थी, तो नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में मैं कुछ अच्छे डिटेल्ड प्रोडक्ट यूज़ करती थी, लाइक कुछ ऐसा चीज़ जो आप पे बहुत अच्छा वर्क करता हो। लाइक फॉर मी, मेरे लिए सेरम्स बहुत अच्छे वर्क करते, तो मैं नाइट टाइम में कुछ नाइट रिपेयर सीरम लगा लेती थी, जिससे मॉर्निंग में आपका स्किन थोड़ा ज़्यादा प्लम्प अप दिखता है, थोड़ा ज़्यादा रेडिएंट दिखता है। वर्क फ्रॉम होम में हमारा अपर पार्ट बॉडी का ही शो होता है, तो ज़्यादा फोकस हमारे फेस पे होता है, और मैक्सिमम टाइम हमारी आईज़ बहुत ही थकी थकी लग रही होती हैं, बिकॉज हम रात में भी एक्स्ट्रा लेट काम करते हैं, और सो सुबह हमारी कुछ मीटिंग शेड्यूल होती है, तो हमारी आईज़ बहुत ही स्ट्रेन दिखती हैं, बहुत ही स्ट्रेस दिखती हैं। तो सुबह सुबह जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, बहुत ही लेस टाइम टेकिंग है, आपको लेना है एक आईज़, और आईज़ को आपको एक कॉटन के कपड़े में फोल्ड करके आपको अच्छे से अपने आईज़ एरिया पे मसाज कर लेना है। सिर्फ और सिर्फ आपको 2-3 सेकेंड्स को ऐसे करना है। इससे आपकी आईज़ एकदम वेकअप दिखेंगी, और अगर आपकी आईज़ में पफिनेस है तो वो भी कम हो जाएगा, प्लस आप थोड़े फ्रेश दिखेंगे, ये ऐसा नहीं लगेगा कि आप अभी अभी सो के उठ के आ गए हैं। तो ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करिएगा। नेक्स्ट टिप में मैं बताऊँगी कि आपका फेस ज़्यादा फोकस होता है तो आपको एक अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाना है, या आप कोई सीरम यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगी दिस मामाअर्थ का स्किन इल्यूमिनेट सेरम, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी बिकॉज इसको लगाने के बाद हल्का सा स्किन में एक ग्लो आता है, थोड़ा सा स्किन ब्राइटन अप हो जाती है, थोड़ा सा डल स्किन को ग्लोइंग बना देता है ये। तो आप ऐसा कोई भी सेरम यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो भी आपका अच्छा मॉइस्चराइज़र जो आप पे वर्क करता हो या सेरम आप पे वर्क करता हो, आप उसको ज़रूर फेस को टोन मॉइस्चराइज करने के बाद ज़रूर लगाएं। ये बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, बट आप अगर आप इससे प्रॉपरली करेंगे तो आप ज़रूर इसके इफेक्ट देख पाएंगे, और आपकी स्किन बहुत ही फ्रेश दिखती है। सो गाइज, डे टू डे बेसिस पे कोई मेकअप करना पसंद नहीं करता है, ऑल्सो इफ़ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम तो वैसे भी हम मेकअप करके नहीं बैठ सकते हैं पूरे दिन अब घर पे। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप बिना मेकअप किए भी थोड़ा प्रेजेंटेबल दिख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको अपनी आंखों का ध्यान देना है, बिकॉज आंखों से ही सबसे ज़्यादा हम शो होते हैं कि हम फ्रेश हैं या हम बहुत डल फील कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया कि आपको आइस क्यूब से थोड़ा बहुत मसाज करना है, इससे आप थोड़ा फ्रेश दिखेंगे। उसके बाद अगर आपके अंडर आई बैग्स हैं या आपके अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं तो आप कोई भी कंसीलर यूज़ करिए, जिससे कि आपकी स्किन ऑटोमेटिकली थोड़ी फ्रेश दिखने लग जाएगी। मेरे पास आपके लिए 2 रिकमेंडेशन है, आप एल ए गर्ल का प्रो कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं, या आप नॉर्मल एक कलर बाग का फाउंडेशन स्टिक है, बहुत अच्छा काम करता है अंडर आइज पे। आप इसको हल्का सा, जस्ट आपको थोड़ा सा फिंगर की हेल्प से लेके अपने अंडर आई एरिया पे लगा लेना, जिससे आपकी स्किन जो है वो ऑटोमेटिकली इंस्टेंट फ्रेश दिखने लग जाती है। तो देखा आपने, जैसे छोटी छोटी चीज़ें करके जो हम रेगुलर कर सकते हैं बट हमारे दिमाग में नहीं रहता, ये छोटी छोटी चीज़ें करके हम थोड़ा ज़्यादा पॉलिश दिख सकते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट चीज़ जो मैंने देखी जो मैक्सिमम इंडियन गर्ल्स के ऊपर वर्क करता है, इस काजल। काजल हम मैक्सिमम इंडियन गर्ल्स के ऊपर वर्क करता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काजल लगाना पसंद करते हैं। कुछ लोग लोअर आईलिड में लगाते हैं, कुछ लोग सिर्फ अपर आईलिड में लगाते हैं, कुछ काजल को एज अ आईलाइनर लगाना यूज़ कर सकते करते हैं, कुछ को अपने सिर्फ आउटर कॉर्नर्स पे काजल लगाना पसंद है। तो जिस भी तरीके से आपके ऊपर बेस्ट काजल सूट करता है, आप उस तरीके से काजल अप्लाई करें। मेरे लिए जब व्हेन आई यूज़ टू वर्क फ्रॉम होम, मैं सिर्फ अपने अपर आईलिड पे हल्का सा काजल अप्लाई कर लेती हूँ, और उससे मेरी आंखें थोड़ी खुली खुली दिखने लगती हैं, तो दैट वर्क्स बेटर फॉर मी। मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा काजल पर्सन नहीं हैं तो काजल लेके सिर्फ और सिर्फ आप अपने अपर आईलिड पे लगा लें, इससे आपकी आईज़ ओपन अप दिखती हैं और फ्रेश दिखती हैं। ऐसा भी नहीं लगता कि आपने अपनी आईज़ पे कुछ लगाया है, बट ऑटोमेटिकली आपकी इंस्टेंट फ्रेश दिखती है आईज़। टिप जो मेरे ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करती है, जब भी मुझे कोई जूम कॉल मीटिंग अटेंड करनी होती है या मेरा कोई बिग कॉन्फ्रेंस होता है और मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है, एकदम नेचुरल फ्रेश दिखना होता है,
तब मैं सिंपल अपने अपर आईलेट में काजल वेयर कर लेती हूँ, और अगर मुझे काजल भी वेयर करने का मन नहीं है तो मैं सिंपल एक मस्कारा लगा लेती हूँ बहुत ही लाइट तरीके से। जैसे कि अभी आप डिफरेंस देखेंगे, मैंने हल्का सा मस्कारा लिया और सिर्फ अपने अपर लैशेस पे लगा लिया बहुत ही लाइट, जिससे आपकी नेचुरल लैशेज ही थोड़ी खुली खुली नजर आती है, थोड़े आप वोकअप दिखते हैं, ऐसा नहीं लगता कि आपने मस्कारा अप्लाई किया है। लोअर लैशेस पे आप मस्कारा तब ना अप्लाई करें जब आपको नेचुरल लुक चाहिए, बिकॉज लोअर लैशेस पे मस्कारा अप्लाई करने से वो चीज़ दिखने लगती है कि आपने मस्कारा अप्लाई किया हुआ है, और बहुत नेचुरल लुक नहीं आता है। तो ज़रूर ट्राई करें कि आप थोड़ा नेचुरल लुक के लिए लाइट मस्कारा लें, बिल्कुल भी हल्का मस्कारा, और अपने अपर लैशेस में सिर्फ लगा लें। सो गाइज, बस आपको तीन चीज़ें करनी है अपने आँखों के लिए। सबसे पहले आपको अपनी आईज को आईज मसाज देना है। नेक्स्ट थिंग, आपको काजल या आईलाइनर में से कोई भी चीज़ जो आप पे बेस्ट सूट करती है आपको वो वेयर करना है, एल्स आप मस्कारा वेयर कर लें इतनी सी चीज़ करके। और अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो आपको कंसीलर लगा लेना है। नाउ यू आर गुड टू गो, आप बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं दिखेंगे, आप बिल्कुल भी थके थके से नहीं दिखेंगे, आपकी आईज बहुत ही फ्रेश दिखेंगी। इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जब आप कोई मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं, बिकॉज हमारा सारा का सारा फोकस जो हमारे फेस से पड़ता है। तो छोटी छोटी चीज़ें आप करके, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है, छोटी छोटी चीज़ें करके आप थोड़े ज़्यादा पॉलिश दिख सकते हैं, थोड़े ज़्यादा पुट टुगेदर दिख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखी है कि अगर आप अपने सिर्फ और सिर्फ आईब्रोज को ग्रूम कर लेते हैं, अपनी आईब्रोज मेक कर लेते हैं, तो आपका ओवरऑल लुक इन्हांस हो जाता है। कुछ नहीं करना है, अगर आप मेकअप में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते तो सिर्फ और सिर्फ अपनी आईब्रोज को थोड़ा डिफाइन कर लीजिए। इनिशियली मैं भी कुछ टाइम पहले तक ये नहीं करती थी, बट अब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं सिंपल सा सिर्फ और सिर्फ अपने गैप्स को फिल कर लेती हूँ तो मेरे फीचर्स इन्हांस हो जाते हैं, मेरा लुक थोड़ा ज़्यादा बेटर दिखने लगता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। बस एक चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि आप कभी भी ब्लैक आईब्रो पेंसिल मत यूज़ करिएगा अगर आपकी स्किन टोन मेरे से मैच करती है। ब्राउन आई पेंसिल वर्क बेटर और बहुत ही नेचुरल सा लुक देता है। तो ज़रूर अपनी आईब्रोज को डिफाइन करिए, आपका ओवरऑल लुक अपने आप ही इन्हांस हो जाएगा। चीज़ फॉर दोज गर्ल्स जिनके स्किन में नेचुरल सा ग्लो नहीं रहता है और जिनको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है ग्लो लाने के लिए अपने फेस पे, विच इज़ वेरी नेचुरल। सबकी स्किन टाइप डिफरेंट होती है, सबका स्किन टेक्सचर डिफरेंट होता है। गर्ल्स के लिए मेरे पास एक सजेशन है, आप अपने नॉर्मल मॉइस्चराइजर और नॉर्मल सेरम में आप थोड़ा सा लिक्विड हाइलाइटर लगा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ड्रॉप या दो ड्रॉप डालना है लिक्विड हाइलाइटर का। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वेट एंड वाइल्ड का लिक्विड हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना, आपको अपने मॉइस्चराइजर में सिर्फ एक दो ड्रॉप लिक्विड हाइलाइटर डाल के अपने ऑल ओवर योर फेस लगा लेना है। इससे आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लोइंग दिखने लगती है और आपके हाई पॉइंट्स आपके फेस के एनहांस हो जाते हैं। फॉर दोज गर्ल्स जिनकी थोड़ी ऑयली स्किन है और जो लिक्विड हाइलाइटर प्रेफर नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हल्का सा पाउडर हाइलाइटर अपने फिंगर पे लेके अपने हाई पॉइंट्स पे लगा लें, जिससे आपके सिर्फ और सिर्फ हाई एंड जो हैं वो डिफाइन हो जाएंगे और ओवरऑल आपका लुक थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो जाएगा। सो ऐसा करके आप अपने फेस के फीचर्स को इन्हांस कर सकते हैं और आप थोड़े ज़्यादा प्रेजेंटेबल दिख सकते हैं घर पे। हमने बात कर ली आईज की, आईब्रोज की, अब बात करते हैं लिप्स की। तो ऑब्वियसली घर पे रह के आप बहुत ज़्यादा लिपस्टिक या डार्क शेड लिपस्टिक नहीं वेयर करना चाहते हैं। ट्राई करें कि आप थोड़ा सा न्यूड लिपस्टिक, जो भी न्यूड कलर आप पे सूट करता हो वो यूज़ करें। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं न्यूड लिपस्टिक के, मैं कुछ सजेशंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, बट आप सबके पास एक ऐसा न्यूड कलेक्शन ज़रूर होगा जो आपके स्किन टोन को परफेक्ट मैच करता होगा, भले ही वो ब्राउन शेड में हो, पिंक टू शेड में हो, कोई भी एक ऐसा शेड जो मैक्सिमम आउटफिट के साथ काम कर जाए, आपको एक ऐसा शेड लेना है। अगर आप लिपस्टिक भी प्रॉपर यूज़ नहीं करना चाहते तो मेरे पास आपके लिए अगेन एक टिप है, आपको एक लिपस्टिक लेना अपनी फिंगर टिप पे हल्का सा लिपस्टिक ले लेना है और सिर्फ अपने लिप्स पे पैट पैट कर लेना है। इससे क्या होता है, आप ही का लिप कलर थोड़ा ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, बहुत ही नेचुरल लगता है, बिल्कुल पता नहीं चलता कि आपने अपने लिप्स पे कुछ वेयर किया हुआ है। इसी के साथ साथ अगर आप अपने चीक्स को भी थोड़ा ज़्यादा फ्रेश दिखाना चाहते हैं तो आप सिंपल इसी लिपस्टिक को हल्का सा अपने फिंगर्स पे लेके सिर्फ और सिर्फ हल्का हल्का अपने चीक्स पे डैब डैब कर सकते हैं। ये स्टेप बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। अगर आपने हाइलाइटर वेयर किया हुआ है, अच्छे से अपने स्किन को प्रेप किया हुआ है, तो ऑलरेडी आपकी स्किन फ्रेश और ग्लोइंग दिखेगी, आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। माई नेक्स्ट टिप इज़ फॉर हेयर। अगर आप घर से वर्क कर रहे हैं तो आप सिंपल सा बन बना सकते हैं, कुछ भी मैसी सा बन बना सकते हैं टॉप पे, दैट्स लुक वेरी प्रोफेशनल। आप ऐसा भी ट्राई कर सकते हैं।
बट अगर आप खुले बाल रखना चाहते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि हल्का सा सेरम लगा लें। सेरम आप कोई भी सेरम यूज़ कर सकते हैं, उसको अपने पाम में रब करके सिर्फ और सिर्फ अपने लोअर एंड्स पे लगा लें, जिससे कि आपके बाल थोड़े सेट दिखें, बिखरे बिखरे से ना दिखें। इससे आप थोड़े ज़्यादा प्रेजेंटेबल, थोड़े ज़्यादा पॉलिश दिखने लगते हैं। गाइज अब बात कर लेते हैं एसेसरीज़ की, कि घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम करते हुए आप कैसी एसेसरीज वेयर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो बहुत ज़्यादा वर्क करती है इज़ स्टड्स। आप एक ऐसे छोटे स्टड्स पहन सकते हैं, लुक्स वेरी प्रोफेशनल, सेम टाइम बहुत एलिगेंट लगते हैं। ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, सिंपल एक स्टड पहन लीजिए जो आपके मैक्सिमम आउटफिट के साथ काम कर जाती है। ऑल्सो बिकॉज हमारा अपर पार्ट ही शो होता है, तो आप ट्राई करें कि आप वॉच जरूर पहने। इससे आप थोड़े ज़्यादा प्रेजेंटेबल, थोड़े ज़्यादा प्रोफेशनल लगने लगते हैं। ऐसा नहीं लगता कि घर से काम कर रहे हैं तो फिर जो भी मन आया वैसा पहन के बैठ गए। थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंटेबल दिखते हैं, थोड़ा ज़्यादा वर्क फील आने लगता है। तो अब बात कर लेते हैं अपने हैंड्स की, बिकॉज जितना हम अपने फेस से बात करते हैं उतना ही हम अपने हाथों से भी बात करते हैं। तो आपका हैंड्स का क्लीन दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कि आपके हैंड्स बहुत ही क्लीन हों, बहुत ही टाइडी हों। इसके लिए मेरे पास एक टिप है, आप सिंपल मेरे जैसे क्लीन शॉर्ट नेल्स रख सकते हैं। और अगर आप नेल पेंट वेयर करना पसंद करते हैं तो आप वाइट शेड, बहुत अच्छा लगता है नेल पेंट में, प्रोफेशनल टच देता है, तो आप वाइट शेड का नेल पेंट यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही समर प्रॉपर और बहुत प्रोफेशनल लगता है। अगर आप नेल्स को मैनेज नहीं कर पाते हैं बिकॉज वो आधे अधूरे से नेल पेंट्स बिल्कुल भी टाइडी और अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप सिंपल से क्लीन नेल्स रखिए, शॉर्ट नेल्स रखिए। साथ साथ अपने हाथों को थोड़ा और प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए आप वही सेम ट्रिक फॉलो कर सकते हैं जो हमने फेस पे किया है। आप थोड़ा सा लिक्विड हाइलाइटर लेके अपने हाथों में लगा सकते हैं मॉइस्चराइजर के साथ। इससे आपके हैंड्स भी थोड़े इल्यूमिनेट हो जाते हैं, थोड़े ज़्यादा सुंदर दिखने लगते हैं। अगर आपके हैंड्स नॉर्मली साफ सुथरे हैं तो आपको एक स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं हैंड्स एक्सेसरीज की, तो कुछ लोगों को हाथों में रिंग्स पहनना पसंद होता है। आजकल बहुत सारे रिंग्स अवेलेबल हैं जो कि प्रोफेशनल लुक के साथ भी चले जाते हैं, तो आप इसी तरीके के कुछ स्टेटमेंट रिंग्स भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप वॉच वेयर करिए जो कि बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लुक क्रिएट करता है, आपके ओवरऑल लुक को इनहांस कर देता है। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की, जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है इज आर आउटफिट। इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, हम क्या पहने जिससे हम थोड़ा ज्यादा प्रेजेंटेबल दिखें। देखिए हमारा सिर्फ और सिर्फ अपर बॉडी पार्ट ही शो होता है, तो हमें कुछ भी बॉटम एरिया में हम नॉर्मल अपने पजामास पहन सकते हैं। फुटवेयर पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना होता है, सिंपल हमें अपने अपर बॉडी पार्ट को थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंटेबल दिखाना होता है। इसके लिए आप कुछ चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। फर्स्टली आप कोई भी वाइट टी शर्ट या वाइट शर्ट पहन सकते हैं। वाइट एक ऐसा कलर है जो मैक्सिमम स्किन टोन और मैक्सिमम बॉडी शेप के ऊपर परफेक्ट जाता है, और आप थोड़े ज़्यादा प्रेजेंटेबल भी दिखते हैं। इससे आपका फेस थोड़ा ज़्यादा इल्यूमिनेट होता है। अगर आप वाइट नहीं वेयर करना चाहते हैं बिकॉज वी आर वर्किंग फ्रॉम होम, बट उसके साथ साथ हमें कुछ घर के भी काम देखने होते हैं जो कि रियलिटी है, वाइट थोड़ा रिस्की हो जाता है वेयर करना, उस केस में आप कुछ ऐसे टॉप्स या कुछ ऐसे कुर्तीज वेयर करें जिसमें थोड़ी नेक एरिया पे डिटेलिंग हो या उसके हैंड्स पे डिटेलिंग हो। अगर आपका आउटफिट एकदम प्लेन है तो कुछ नहीं, तो उसके स्लीव्स में ऐसी कुछ चुन्नट हो जिससे कि आपका आउटफिट बहुत ही बोरिंग ना दिखे और ऐसा लगे कि आपने अपना आउटफिट डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लिया है। बट सच्चाई तो ये है कि आपने बस थोड़ा सा स्मार्टली वर्क किया है। तो सिंपल से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फॉलो करनी होती है थोड़ा अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए, पुट टुगेदर दिखाने के लिए। छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। हम कपड़ों की बात कर रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान दें कि आपको अपने कपड़े अच्छे से प्रेस करके पहनने हैं। हम घर से काम कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी वेयर कर लिया तो काम कर जाएगा, ऐसा नहीं है। वो कपड़े जो कि बहुत ही अनटाइडी लगते हैं वो कैमरा पे शो हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी ट्राई ना करें ऐसी चीज़ों का। हल्का सा आप आयन कर लें, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लेता है, सिर्फ 2-3 सेकेंड्स लेता है, बट इट रियली मेक अ बिग डिफरेंस। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ट्राई करें। गाइज आई होप नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर वर्किंग फ्रॉम होम आप इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे और इन छोटी छोटी तरीकों से आप अपने लुक को थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना पाएंगे। विद दिस इट्स अ रैप, आई होप ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर इसके अलावा आपके पास कुछ और सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा, हमारे व्यूअर्स की हेल्प हो जाएगी। अब मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्टिल देन बाय बाय।